सो बेटा विल यू क्लोज दैट विंडो कर्टन और दिस First of all, for the student, those who have come from A2 or A1, whatever A2, for them I have already told that between 10 to 12 morning I am there free. I can take your revision, whatever is the rotational motion part, what is the collision part. Collision to 1 ghante mein ho jayega, kuch problem nahi hai. So it is now your duty to ask me, okay? I am there 10 to 12 for your batch also I am telling. So once again I will not repeat this, okay? Whenever you want to ask me you may ask. Already aapko DPP वगैरह दिया है, अरे yes or no. उससे पहले एक काम करो, मेरा थोड़ा थोड़ा नोट्स दिया है मैंने, केस वगैरह उतना तो कंप्लीट करो, अरे yes or no. Understood everybody? उतना तो कंप्लीट करो, इसमें से आपको जो नहीं समझेगा आई विल बी एबल टू मेक यू क्लियर दोज पॉइंट्स, ओके? और जितना जल्दी हो सके पॉइंट क्लियर करो, एक बार हाथ से चला गया नो बडी विल मेक यू सर्वाइव इन दैट, ओके? अदरवाइज आफ्टरवर्ड्स इट विल बी लाइक अ फॉलिंग नाइफ, हा यू कैन नॉट कैच दैट. आई एम वेरी सीरियस. फॉलिंग नाइफ यू आर नोइंग ना, हाँ? अगर बॉल है ऊपर से आ रहा तो कैच करोगे, नाइफ को कैच करोगे क्या? कर सकते हैं, ऐसा करके कर सकते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है. अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया ना, नाइफ डायरेक्टली हाथ में जाएगी. हाँ, तो इफ यू आर स्कीपिंग राइट नाउ एंड देन ट्राइंग टू डू दैट, दैट विल बी द फॉलिंग नाइफ. हाँ, सो कीप इन माइंड, अभी डिसंबर अप टिल डिसंबर एंड यू ट्राई टू कंप्लीट दैट. बाद में नहीं समझेगा, अभी 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 तो मोमेंटम वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वगैरह वो समझ आएगा. बाद में अगर अभी ये मैं इलास्टिसिटी चालू कर रहा हूँ, ये डिफरेंट कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट आगे जाएगा तो आई एम ऑल्सो नॉट मच मोर हेल्पफुल टू यू देन, बिकॉज आपको पहले से सब बताना पड़ेगा. वो बता के भी कुछ प्रॉब्लम आपका क्लियर नहीं हो जाएगा. सो आई विल नॉट स्कोल्ड यू नेवर, बट आई विल टेल यू एवरी टाइम, ओके? सो मेंटेन योर स्टडी शेड्यूल, ओके? इज दैट क्लियर? Because from today, as per the schedule, we have to start with the new topic, that is the elasticity, and from today, it will be totally with my teaching. For rotational motion, center of mass already was taught, you know? For collision, momentum was already taught. So from right now, we will start purely with fresh concept, okay? And I will totally start teaching you about that. So it's my humble request to all of you to be keeping a nice attention. If you are not understanding, you are free to ask me, there is no problem. Do keep silence in the class. Try to concentrate. Concentration is must. And try to focus on your studies. And focus all the chapters and all the subjects. Not only the subject you like, okay? It may be any subject. Because due to corona, now you are enjoying your life. Online lectures, sometimes at home, not feeling well, fever is there. Everybody is listening to you. In the next December, nobody will listen to you, even your parents also. And not the exam department. The worst case scenario for the competitive study, and the batch is your batch. Keep in mind, you will be facing worst if you not manage your momentum. आता जोड़ी मजा करता है करत असल तर मी राधा ने संगत नहीं है जोड़ी मजा सभी बाहर पड़ना अचरट पचरट कहीं तरी खाल तर पण बाहर पड़तो दुसरे की त्रास होतो बरोबर ना उल्टी होणार डिसेंट्री लागणार अजून काहीतरी होणार
खा पिणार? तसं आत्ता जर टाइम वेस्ट घालवला तर बाहेर पडणार तू, आत्ता लगेच नाही पडणार, नंतर पडणार. सो अजून जर कोण अभ्यास चालू केलेला नसेल, मी हात जोडून विनंती करतो सगळ्यांना, तुमचा हात जोडून म्हणजे काय विनंती, म्हणजे असं काय, हां सरळ सांगतोय, म्हणजे शेवटचं अगदी लास्ट, इफ यू आर नॉट स्टार्टेड युअर स्टडीज डू स्टार्ट युअर स्टडी राईट नाव, दिस इज ऑल्सो द परफेक्ट टाईम टू स्टार्ट युअर स्टडीज. आत्ता जर आत्ता पण अभ्यास करून तुम्ही छान मार्क मिळून सगळीकडे तुमचा चांगला पर्सेंटेज येऊ शकतो, इवन तुम्ही अगदी टॉप पण करू शकता या केसला. हाऊ यू डिसाइड वॉट टू प्रे, ओके आत्ता मजा केली नंतर मजा करायला मिळणार, आत्ता कष्ट काढले तर नंतर मजा करणार, बरोबर? पुढच्या वर्षीचा आठवा, 2022 आठवा, 21 पण नको, 22. आता 21 येईलच, 22 मध्ये काय असेल तुमची एक्झाम असेल, हां मग एक्झामला मग हेच आत्ता फोटो काढून ठेवतो आणि मग नंतर त्या फोटोमध्ये आपला चेहरा बघा आजचा आणि त्या दिवशी परत फोटो काढतो आणि तो चेहरा बघा, असं असतं. बाकी काय मला काय, तुम्ही मजा केली म्हणून मला काय वाईट वाटणार आहे का? मला आनंदच होईल, छान, दे आर एन्जॉय. पुढे मग प्रॉब्लेम येतो, आपलं कसं आपलं झालेलं आहे सगळं, आपलं काम आहे, काम करतो आहे, तुम्हाला शिकवायचं आहे पुढे, दरवर्षी पुढच्या मुलांना शिकवायचं आहे, प्रॅक्टिस घ्यायची आहे, चार चार वेळेला शिकवता, आमचा पक्क होत जातं, नवीन नवीन प्रॉब्लेम सोडवतो. तुमचं काय, व्हॉट इज अबाउट यू? सो फोकस सोडू नका. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ फ्रेश न्यू कन्सेप्ट अँड इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग, बट द सेम टाईम यू मस्ट बी पेईंग लॉट ऑफ अटेन्शन टुवर्ड द कंटेंट. गेटिंग माय पॉईंट? अँड दॅट इज द इलॅस्टिसिटी. व्हॉट इट इज इलॅस्टिसिटी? ओके सो विल स्टार्ट विथ दॅट. टुडेज डेट इज 21, नो? The motion of a body, any external forces acting on the body, what will be the displacement of the body, what will be the acceleration of the body, okay, what is the work done, potential energy, kinetic energy, everything. Those all were only external forces. There was no internal force. But suppose you are having a gas kept in the container. Then for the gas, there will be many gas molecules and they will moving randomly. So once they are moving randomly, they will just collide with each other, the collisions will be perfectly elastic and they will rebound. To aisa karte 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 kya ho jayega, ek time aayega koi aayega molecule to wall pe ja ke atkega udhar. So what will happen, the molecule will exert the force on the walls of the container. Aisa ek molecule nahi hai, bahut sare molecule hai. To us case mein gubbara agar hai, usme hawa hai, to andar se bhi pressure hota hai na usme, are yes sir. So it means that in this case we are considering internal force also, correct? Are yes sir. Ye ho gaya expansion of the body, expansion or contraction. So after this chapter we will continue with the expansion, thermal expansion. That was about that. So what is about elasticity? To abhi to maine isko rigid bol diya, are yes sir. Abhi tak humne rigid body study kiya, kaun sa bhi ek rod le lo, humne kya keh diya tha, up till some limitations the distance between the two particles will not change and we will consider that body to be rigid body, and then considering that body as a rigid body we have started the with the discussion of motion of the body, angular velocity, rotation, whatever. But now we will go beyond that limitation. Means what? Suppose I do have a rod. Rod aapko maalum hai na, metallic rod hai. Are yes sir, rod hai. दूसरा लिया मैंने एक शीट ले लिया मेटल का,
और तीसरा लिया मैंने मेटल का क्यूब बॉक्स लिया, बॉक्स मेटल ही बॉक्स कौन सा लिया और वुडन बॉक्स लिया सपोज, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ गए? तो यहाँ पे एक्सपांशन होगा लीनियर, अरे ये सॉल्व हो, यहाँ पे लैमिनर और सरफेस एरियल, उसको एरियल भी बोलते हैं, इधर बोलते हैं एरियल, और यहाँ पे एक्सपांशन होगा, ओके। तो सपोज मैंने क्या किया, मेरे को मालूम है ये मेरे फिजिक्स में इसको मैंने रिजिड बॉडी कंसिडर किया, ओके मैंने सब स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाया, कुछ नहीं होता है हाँ, तो मैं तो एकदम इगोइस्टिक बन गया, इट विल बी रिजिड बॉडी, ओवर कॉन्फिडेंट। एक बार क्या हुआ, पहले फोर्स दिया, यहाँ से उसको कनेक्ट किया हाँ, बांध गया, अभी मिलेगा नहीं तो वही चल गया, इट इज परफेक्टली केप्ट टू द रिजिड सपोर्ट, नहीं तो उल्टा किया मैंने ऐसे ही रॉड को, नहीं तो एक वायर लिया तो इसको ऐसे टांग, अरे गेटिंग माय पॉइंट, अरे यस और नो, अरे यस और नो, और मैंने चालू किया, मेरे को मालूम था ये रिजिड बॉडी है, कुछ नहीं हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या हुआ बेटा, हाँ फोर्स दिया, 1 न्यूटन दिया, 2 न्यूटन दिया, 3 न्यूटन दिया, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, आफ्टर सम लिमिट आई ऑब्जर्व दैट, अरे बाप ये तो थोड़ा चेंज हो रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपको मेटल का मैलिएबिलिटी मालूम है, मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी, सोने का तार निकालते हैं हाँ, अंगूठी वगैरह बनाने, चेन वगैरह पर पहले तार निकाल के लेते, उसको तार निकालते समय क्या करते, फोर्स से उसको थोड़ा सा मेल्ट करते, एंड देन हाँ मेल्टिंग इज देयर, अभी मेल्टिंग नहीं किया मैंने, कौन सा भी एक वायर लिया और बहुत सारा फोर्स लगाया, सो व्हाट आई एम गेटिंग, देयर इज इंक्रीज इन इट्स, ओके तो थोड़ा ये बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, इतना था तो बाकी क्या हो जाएगा, बाकी लेंथ उसका इंक्रीज हो, समझ गए, और गेटिंग में पॉइंट, तो ये बन गया इंक्रीज इन लेंथ, अभी तक मैंने एरिया क्या हो जाएगा वो डिस्कस नहीं किया, वो बाद में करेंगे। यहाँ पे एक सरफेस था, मैंने क्या किया, आपने देखा होगा एक हथौड़ा होता है बड़ा वाला, और लोहे को वो करते ना, वैसे मैंने कुछ को मेल्ट वगैरह नहीं किया, उसको डायरेक्टली लिया मेरा जो शीट है मेटल का शीट लिया, उसके ऊपर चालू किया जोर से, बहुत मैंने फोर्स लगाया एकदम प्रेस कर, तो आई ऑब्जर्व दैट यहाँ पे भी ऐसा हो गया, ये थोड़ा पतला बन गया और इसका साइज थोड़ा बढ़ गया, मतलब इसमें इंक्रीज हो गया एरिया में, अरे सर बन गया, अरे सर इसको भी कुछ किया थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा इसको खिसकाया तो ऐसा थोड़ा इसका शेप चेंज हो गया, समझ गए, बॉक्स को बोलते ना एक बार जैसे अगर आपने उसको ये किया तो बॉक्स कैसे बन जाएगा, पहले ऐसे ठीक से रहेगा, बाद में वो ऐसा होगा, अरे ऐसा, सो दिस ऑल थिंग्स आर हैविंग देयर ओन एप्लीकेशन, एंड वॉट एवर वी ऑब्जर्व दिस इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन, वॉट इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, चेंज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ दोनों वर्ष से एकदम फोर्स दिया है ये कॉम्प्रेस भी कर सकते, इसका लेंथ कम भी हो सकता है, इसको भी मैं एकदम सिकुड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा ये किया प्रेस किया, आई मे डू दैट, आर गेटिंग द पॉइंट, सो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन, इज कॉल्ड एज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप में सब आता है, लेंथ एरिया साइज में वॉल्यूम में आता है, सो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी द डिफॉर्मेशन, सो आइदर इंक्रीज इन द लेंथ, डिक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, एवरीथिंग वी कैन कंसिडर इट टू बी द डिफॉर्मेशन, एंड द एजेंट दैट इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके।
पहले क्या लिख लेंगे, डिफॉर्म्स, क्या लिखोगे, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ज्यादा कुछ डेफिनेशन वगैरह बड़ा वाला नहीं लिखी, आपको समझ में आया है इतना ही। डिफॉर्मेशन क्या बोला मैं अभी, चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। डायमेंशंस में क्या क्या बेटा, क्या बोला, शेप एंड साइज, समझने के लिए काफी। इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मिंग फोर्स ये कौन होगा बेटा, अभी बताया मैंने, द एजेंट और द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन, सिंपल लिख के लो बराबर। डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन, ये हो गया आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके अभी तक तो इलास्टिसिटी पढ़ाई नहीं है, अभी तक जो सीखा है मैंने ये खाली आपको चेंज दिखा है। ओके हाँ, तो इसमें भी अभी दो केस है। पहली वाली केस, एक बॉडी है इसको मैंने क्या किया, एक करके उसको वेट ऐड कर दिया, जो वायर है उसको कनेक्ट किया एंगर से और नीचे नीचे एक एक वेट करके ऐड किया। सपोज एक एक वेट 10 किलो का, 10 kg 10 kg 10 kg। ओके सो आई गॉट दैट, ये वायर थोड़ा बड़ा बन गया, ये था ना इतना ही है, बाद में क्या हो गया इसका थोड़ा सा, हाँ लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ओके तो इतना डिफॉर्मेशन हो गया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बाद में क्या किया मैंने, स्लोली स्लोली एक एक वेट को निकालते गए, तो जस्ट लाइक अ मिरेकल आई गॉट दैट, आफ्टर आई रिमूव दैट वेट फ्रॉम द बॉडी, अगेन आई ऑब्जर्व दैट, अरे ये तो पहले अपना जितना है ना, जितना शेप, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ उसका मिला। ये इंटरेस्टिंग चीज, ये तो क्या किसी को थोड़ा फोर्स लगा दिया तो वायर का थोड़ा लेंथ चेंज कर सकते हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन उसको फिर से वापस अपनी लेंथ में ला सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज। ये तो आपको मालूम है डक्टिलिटी वगैरह, मेटल को ऐसा तार बना दिया, अरे ओके तार बना दिया तो फिर से उसको जैसे था वैसे करो, कर सकते हो, उतना फोर्स हमने लगाया कि वो परमानेंटली उसको शेप मिल गया वो। तो बेटा अभी हम जो बात करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो कोई भी बोल सकता है, अगर उसको मेल्ट भी नहीं किया ऐसे ही जोर जोर से उसको, if I go on increasing the force, of course I'll be getting that increase in the length of the wire, लेकिन मैं आगे क्या पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये force remove कर दूँ तो फिर से क्या वो wire अपना original length ले रहा है क्या? अगर वो ले रहा है, ऐसे नहीं ले सकता है ना, अगर वो ले रहा है तो बन जाएगा elastic and the property will be called as elasticity। और अगर वो नहीं ले रहा है इसका मतलब मैंने कुछ ज्यादा फोर्स लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें परमानेंटली उसको वो लेंथ मिल गया इंक्रीज वाला, इट इज कॉल्ड एज परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या बोलते इसको, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये कोरोना का अभी है, इसमें आप में जो चेंज हो गया है, मैं कितना भी बोलूंगी आप रोज आओ आपके साथ, ये चेंज आपका मोस्टली परमानेंट है। अभी अपन को वो परमानेंट नहीं करना है, इलास्टिक रहना है ना, यू हैव टू रिगेन योर ओरिजिनल मोमेंट। अगर कम किया है कुछ, ज्यादा ही किया है मोमेंट, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, अगर कुछ ज्यादा हो गया उसको कम करना है,
पढ़ाई के बारे में कम किया है तो गेटिंग एफर्ट। सो तो हम कैसे बॉडी का स्टडी करेंगे, कैसी कंडीशन में फोर्स इतना होना चाहिए कि बॉडी में डिफॉर्मेशन तो होना चाहिए, हाँ डायमेंशन तो चेंज होना चाहिए, मतलब रिजिड के आगे गए, रिजिड बॉडी नहीं है अभी, समझ गए? तो वो कंसेप्ट अभी निकल, ये तो अलग ही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट में क्या करेंगे, वी आर टेकिंग द फोर्स ऑन द बॉडी, अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी, देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, देयर इज सम चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टिल द फोर्स इज देयर, बट इफ आई विल फोर्स रिमूव द फोर्स देन बॉडी इज गोइंग टू गेट इट्स ओरिजिनल, देन बॉडी इज रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज ओरिजिनल डायमेंशन as soon as the deforming forces are removed. And this property is called as elasticity. And the bodies which are holding this property are called as elastic body. Or the maximum force beyond which it is not possible, that is called as the limiting force, elastic limit. Are you getting the point? So that condition, kam bhi nahi, jyada bhi. Kam kya to, expansion ye nahi milega aapko. उसके आगे एक्सपांड होना चालू कर देगी, गेटिंग में पॉइंट। हाँ ये लगता है उतना सिंपल नहीं है, हाँ एक पॉइंट पॉइंट पे आपको सोचना पड़ेगा, बहुत सारे लॉस वगैरह है, गैस भी आएगा उसमें, हाँ वॉल्यूम आए तो बल्क में गैस में आएगा, शीयर भी आएगा, मतलब वो दिखाया था आपको, हाँ ये बहुत सारा है। सो इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट एवर। तो मैंने डिफॉर्मिंग बॉडी बताया आपको, डिफॉर्मेशन क्या होता है बताया, डिफॉर्मिंग फोर्स बताया, अभी इलास्टिसिटी समझ लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। देखो पहले बॉडी मिल गया, उसके ऊपर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, अभी उसके डायमेंशन में चेंज हो गया, मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन वो अगर परमानेंट नहीं है, मतलब इट इज अगेन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल डायमेंशन वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक। ओके, सो कैन आई मेक द डेफिनेशन, इलास्टिसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस कब, आफ्टर और व्हेन द एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ओके, इसके उल्टा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस बॉडी को बोलेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी, कुछ कुछ बॉडी में होता नहीं है, लकड़ी को भी ऐसा किया आपने एकदम ऊपर से दिया बहुत सारा फोर्स दिया, ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो उसके बीच में गड्ढा बन जाएगा, जैसे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में देखा था, बुलेट अंदर जाती है ना बेटा, बुलेट अंदर जाती है तो वहाँ पर तो वापस नहीं आती, तो ऐसे कुछ कुछ बॉडी के लिए फोर्स लगाया मैंने तो क्या हो गया, एक बार लगाया तो लगाया, अभी इट विल नॉट टेक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, गेटिंग माय पॉइंट, दोज आर कॉल्ड एज द प्लास्टिक। और ऐसा भी हो सकता है किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए भी एकदम इलास्टिक लिमिट के बाहर में मैंने फोर्स दिया तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, तो पहले लिख लो इलास्टिसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी, बराबर लिख लो बेटा क्योंकि अभी इधर ज़्यादा कुछ लिखने वाले नहीं है, एक दो तीन डेफिनेशन पहले वाले लिखेंगे, बाद में जाएंगे थोड़ा सा फॉर्मुलेशन के लिए। Elasticity it is a property due to which body regains its original dimensions as soon as the deforming forces, as soon as the deforming forces are removed. It is called as the property is called as elasticity. Thank you.
bodies possessing elasticity are called as elastic bodies. Okay. Okay. बाकी इलास्टिक लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन ये लिख के नहीं दूंगा, ये आपको ध्यान में रखना, देन वी विल स्टडी नेक्स्ट थिंग. ओके, तो ये समझ लिया आपने, हमने क्या क्या कंसिडर किया अभी, कौन सा बॉडी इलास्टिक होता है एंड विच बॉडी इज प्लास्टिक, ये हमने समझ लिया. अभी इसमें ये बाकी जो कुछ दिया है ये इम्पोर्टेंट, अभी अपन को इम्पोर्टेंट क्या है, दो टर्म आ गए. ओके, वो भी समझ. ओके, शैल वी स्टार्ट. तो ये तो हो गया बेटा, ठीक है, एक बॉडी ले लिया ना, एक वायर ले लिया, ठीक है. एग्जाम्पल बार बार देता हूँ मैं क्योंकि एकदम समझने के लिए सिंपल है. देखो तो ओरिजिनल लेंगे ये सौ और ये सौ, एल इज द ओरिजिनल लेंथ. अभी इसके ऊपर मैंने क्या किया, आई हैव अप्लाइड द फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बाद में क्या हो गया, फाइनली वो थोड़ा सा बढ़ गया. कितने से बढ़ गया, डेल्टा एल से बढ़ गया, अरे सॉरी ये बढ़ गया डेल्टा एल से. अभी क्या हो गया, उसका न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा, ये बन गया न्यू लेंथ, ये ओरिजिनल. ओके, लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब अभी मैंने ये फोर्स निकाल दिया, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये चीज आपको मैं ऐसे ही बता के रखता हूँ, बाद में आपको बहुत यूजफुल होने वाले. मैं तो वायर को बदल नहीं रहा हूं बेटा, काट नहीं रहा हूं, आई एम आइदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द वायर. अरे सॉरी, तो अगर उसको बदल नहीं रहा हूं, ये सिलेंडर है तो इसका ये एरिया है और ये लेंथ है, अरे सॉरी ये लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू लेंथ ए ए. हां बेटा, सो इफ आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, सो आई डोंट हैव एनी राइट to make any alteration with the volume of the body. I can increase the length, but I cannot increase the volume in this case. So what will be there? AL will be constant. Are yes or no? Yes. Na? Area into length will be constant. So AL agar constant hai, AB is equal to constant, means A is inverse proportional to B or vice versa. So either A will be inverse proportional to L or L will be inverse proportional to A. मतलब आपने अगर लेंथ इंक्रीज किया तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली उसका एरिया कम होने वाला है. जो थिक वायर है उसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो उसका थिकनेस कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो लास्टली सेम रहेगा. हाँ यस, हाँ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. इफ यू आर नॉट कटिंग इट होल्ड फॉर रेजिस्टर्स ऑल्सो, कंडक्टर एंड दैट वी विल स्टडी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट ईयर. आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, दैट हाँ यू हैव स्टडीड रेजिस्टिविटी एंड एवरीवेयर इट इज देयर. सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, वी विल नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द फोर्स, आर गेटिंग माय पॉइंट, समवेयर वी विल कैलकुलेट अ क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग सेम यूनिट एज दैट ऑफ द प्रेशर. प्रेशर कैसे करते हो, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. तो जैसे वहां पे प्रेशर निकालते हैं ऐसे यहाँ पे एक टर्म आती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, वायर में स्ट्रेस आ गया है ना, स्ट्रेचिंग. स्ट्रेस कहां से आता है, स्ट्रेचिंग से आता है स्ट्रेस, आर गेटिंग योर पॉइंट. सो ये क्वांटिटी है स्ट्रेच, सॉरी स्ट्रेस. ओके, इट इज हैविंग सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ द प्रेशर. ओके, सो अप्लाइड force per unit area. What is the definition? Applied force per unit area. Applied मतलब जो deformation के लिए responsible है that force of the given object. तो वो length में हो, area मतलब कैसे भी, लेकिन you will calculate area of force per unit area. Are you getting my point?
दूसरा क्वांटिटी आता है, ये लिख के देने वाला, जस्ट वेट फॉर, दूसरा क्वांटिटी आएगा, ये तो मैंने पकड़ लिया कितना फोर्स लगा है, मतलब 1 न्यूटन लगाया बराबर, तो 1 न्यूटन लगा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। 1 न्यूटन कौन से वायर को लगाया, वो ज़्यादा ठीक था क्या? तो अगर ज़्यादा ठीक है तो उतना ही उसमें इलोंगेशन आने वाला है, एकदम थीन था तो कितना इलोंगेशन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑल्सो। सो डायरेक्टली इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके लिए, अरे गेटिंग माय पॉइंट, कितने एरिया के लिए कितना फोर्स आपने लगा, सो दैट विल बी काउंटिंग एज अ स्ट्रेस। दूसरा वाला कितना फोर्स दिया ठीक है वो मैंने कैलकुलेट किया, कितना स्ट्रेस दिया दैट ऑल्सो आई कैलकुलेट। नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट हाउ मच इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायमेंशन। अरे सर कितना इंक्रीज हो बराबर, उसके बाद में ओरिजिनल कितना था वो भी मालूम करना चाहिए। आपको पहले 0 मार्क था और आपको मिल गया 10 मार्क, मतलब आपका इंक्रीज कितना हुआ, 10 मार्क का हो गया। अरे सॉरी ओके, तो 0 नहीं ले पकड़ते आपको, 100 में से आपको 50 मार्क है ऑलरेडी, और अगले एग्जाम में आपको 10 मार्क और मिल गया, तो आपका मार्क बन गया 60। सो द इंक्रीज इन द मार्क्स इज 10 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मार्क्स 50, सो 1/5 × 100 20% इंक्रीज इन योर मार्क्स। तो अभी मेरे को समझ में आया ना, अरे सर हाँ, तो 20% किसके लिए भी आ सकता है, जिसको पहले 10 है उसको 20% बढ़ाया तो कितना होता है, 10 का नहीं होगा, 2 मार्क भी बढ़ गया उसका, 10 का 12 भी हो गया उसका 20% आता है बेटा, है ना। लेकिन जिसको 50 है उसके लिए 20% मतलब 10 मार्क तो बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे पहले वाले के 2 ही मार्क काफी है, दूसरे वाले के लिए 10 मार्क लगेंगे। अभी देखो आपको 80% मार्क है तो आपको 20% इंक्रीज के 16 मार्क चाहिए, 16 मार्क चाहिए ना बेटा, तो 96 जब आपके हो जाएंगे, 80 से 96 जाएंगे तब मैं बोलूँगा 20%। तो 20% तो मैंने कॉमन रखा है ना, लेकिन पहले वाले के लिए खाली 2 मार्क क्यों, ओरिजिनल मार्क 10 था, अरे सर इसके लिए 2 ही मिल गए, 50 वाले के लिए 50 था तो 10 हो गया, अभी 80 वाले के लिए 16 मार्क। सो समवेयर द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑल्सो मैटर अ लॉट, करेक्ट। सो मैंने क्या किया, इंक्रीज उसको डिवाइड किया ओरिजिनल से, करेक्ट ओके। तो स्ट्रेन का मतलब यही है, स्ट्रेन कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका कुछ यूनिट है, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशन लेस, उसको कुछ यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, तो क्या है, खाली इट इज अ रेशियो, जस्ट इट इज अ रेशियो फ्रैक्शन। तो दूसरा है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन, STRAIN। स्ट्रेन के लिए क्या, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल वॉट एवर विल बी द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द, और F, whatever I will call, F upon A, that will be the stress given to the, समझ गए? So shall we write? Write down first of all stress. Stress, it is the applied force, per unit area, SI unit, सो फॉर्मूला स्ट्रेस का सिंपल है, जनरल फॉर्मूला विल बी एफ अपॉन ए, समझ
समझ गया? अरे ऐसा तो ऐसा यूनिट कितना आ गया बेटा? बोलिए बेटा, फोर्स न्यूटन, एरिया पर मीटर स्क्वायर, इट इज इन द डिनोमिनेटर, और ऐसे भी लिखते हैं उसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे लिखते डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सुधीर, चालू करना पड़ेगा ना बेटा? हाँ ये तो चालू है, ठीक है, इसको बुला। इट विल हैव डायमेंशन्स ऑफ प्रेशर, एवढं पण सांगतो। न्यूटनचं डायमेंशन काढा, हां डायमेंशन काढा ना, स्ट्रेस बघून काढायचं नाही, तुम्ही काढा न्यूटन फोर्स, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, नो नीड टू डू दॅट। हे तुम्ही युनिट डायमेंशन काढलं असेल, व्हेरी गुड, ठीक आहे। चलो हाँ, फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम एम वन, मीटर एल वन, पर सेकंड स्क्वायर माइनस टू है ना, एंड एरिया एल टू, तो प्रेशर का डायमेंशन वही आएगा, एल ऊपर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा एम वन एल माइनस वन, ए टू ऊपर जाएगा ना माइनस टू, और ये प्लस वन, तो माइनस वन फॉर टी माइनस टू, और स्ट्रेन को लिखो यही लिखो, इट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, उसका ऐसा यूनिट लिखो, यूनिट लेस डायमेंशन, डायमेंशन लेस, उसको कुछ यूनिट डायमेंशन वगैरह नहीं, स्ट्रेन को मैं उधर जाके था कि बीच में लाइट चला गया था। Is there any problem? Why you both are calling with each other? Beating each other? Is it the place to do so? Huh? काम झालं दिलेलं? झालं ना? मला परत मस्ती नाही दिसत. Lecture चला lecture. Hostel राहता? Hostel राहता? एका room मध्ये राहता? बांडू ना? उरलेला घरी जाऊन बांडू. Thank you.
गोंधळ आहे ते पण बंद कर. चेतनला नाही जमत नाही, चेतन व्यवस्थित कर. तिकडे त्रास होतो ना, तुम्ही पण बसणार ना उद्या तिकडे, मग मी उद्या सांगेन मुद्दा मुकडे ठेवा. चार वेळी मी सांगेन. चल नाऊ दिस टू मंथ्स वी हॅव टू हेल्प इच अदर. हा तुम्ही हेल्प केलं ना की उद्या तुमची वेळ आहे, तुम्हाला कोण हेल्प नाही करत. हा आम्ही ऑनलाईन शिकवत नाही तर मुलं म्हणणार आम्ही अभ्यास करत नाही. आता बोला नाही झालं, नुकसान कोणात होणार? तुमचं माझं काय तुमचं म्हणते काय? ओके चल स्ट्रेस टेन ओव्हर. ओके नाऊ विल स्टडी वॉट आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ स्ट्रेस. देर आर थ्री टाईप ऑफ स्ट्रेस. व्हेरी गुड. ओके नाऊ डोंट लाफ. तिकडे जाऊन शिकव ना आणि इकडे स्किप करून टाकेल हसलात. हां शांत बसायचं, तिकडे मी परत जाऊन शिकवेन, काय प्रॉब्लेम नाही. First is called as longitudinal stress. आता longitudinal आलं की इट इज रिलेटेड विथ लेंथ, इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन लेंथ. सो दॅट इज कॉल्ड एज द longitudinal stress. ओके त्याच्यामध्ये परत दोन येतात, त्याच्यामध्ये परत दोन येणार. What it will be? First will be due to stretching. So leg will increase. That is called as a tensile stress. काय म्हणायचं? Tensile stress. And another will be opposite of that. If I give the force but its length is shrinking, that is also longitudinal, but it is called as compressive stress because I have compressed it. So longitudinal will be again divided into two types. One is tensile and one is compressive. Getting my point? So write down types of stress. Don't worry, I am repeating everything. पुढे चाललो नाहीये मी. You don't worry. So first write down types of stress. Okay? Number one. Longitudinal stress. First will come longitudinal stress. Stress का मतलब क्या? Force per unit area. Okay, stress responsible to change. क्या चेंज करके बेटा? ना डायमेंशन नहीं, अभी longitudinal length. Change the length of a body. ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी के लेंथ में चेंज कर दे, आइदर उसको बड़ा करेगा नहीं तो छोटा करेगा. तो अगर बड़ा करेगा तो उसको बोलेंगे नंबर वन, उसमें ए करेंगे क्या आएगा? टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस. और बी कौन सा आएगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के लेना है. सो टेंसाइल स्ट्रेस में लिखो बेटा. हाँ गेलो नाही पुढं, डोंट वरी मी पुढे नाही गेलो. आय टोल्ड आफ्टर रायटिंग स्ट्रेन, आय टोल्ड दॅट देर आर मेनी टाईप ऑफ स्ट्रेस. सो वी हॅव स्टार्टेड विथ फर्स्ट टाईप. आय टोल्ड ना स्ट्रेस कॅन चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी, कॅन चेंज द एरिया ऑफ द बॉडी, कॅन चेंज द व्हॉल्यूम ऑफ द बॉडी. आउट ऑफ दॅट इफ इट इज चेंजिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, it is called as the longitudinal stress. So it is a stress responsible to change length of the body.
उसमें दो टाइप होती है, इसको मैंने स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ जाएगा, कॉम्प्रेस किया तो लेंथ कम हो जाएगा, इसलिए एक आता है टेंसाइल टेंशन। ये सगळे वर्ड्स आहेत ते टेंशन से रिलेटेड आहे, टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग आलं, सो टेंसाइल, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेस केलं कमी केलं, दॅट इज इट, दॅट इट इज कॉम्प्रेसिव्ह, इट इज नॉट डिफरंट वन। सो टेंसाइल, सो व्हॉट यू कॅन राईट, टेंसाइल स्ट्रेस, राईट डाऊन pulling force per unit area, pulling 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 force per unit area causing 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 pulling force per unit area causing what? Causing increase in length. Increase in length. Okay. Compressive ला कसं लिहिणार मग? Pushing force. हे समजलं आहे तुम्हाला मला एवढी काय? Simple definition. Pushing force per unit area causing decrease in length. Okay. Pushing P-U-S-H-I-N-G pushing force per unit area causing causing decrease in length. Okay, so still टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको शियरिंग स्ट्रेस ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस के लिए ज्यादा यूज नहीं करते हैं, स्ट्रेन में करते हैं, शियर बोलते हैं, एस एच ई ए आर, शियर, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, मोस्टली इसको टेंजेंशियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको, बॉक्स बहुत यूजफुल है ना, रोटेशन के लिए भी यूज किया, अभी इलास्टिसिटी के लिए भी इसके यूज करते हैं, बॉक्स है बेटा, ओके, उन्होंने क्या किया, बॉक्स में जो चीज़ है थर्माकोल वगैरह उसको हटा दिया, ओके, मेरे काम के लिए, बाद में उसमें भरते हैं। ओके okay. अभी मैंने क्या किया, थोड़ा डिफिकल्ट है समझ के, इसको यहां से मैंने थोड़ा ऐसा फोर्स दिया, हाँ ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा मालूम नहीं मेरे को, कर सकता हूँ लेकिन फिर से ओरिजिनल पोजिशन नहीं है इसलिए नहीं कर, अगर ऊपर से मैंने इसको ऐसे अगर फोर्स दिया, कहाँ से, यहाँ से ऊपर से अगर ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको ऐसे फोर किया, तो क्या हमें लगता है, बॉक्स का शेप चेंज हो गया,
सर थोड़ा तिरछा रहे, अरे सर हाँ यस पैरेललोग्राम लाइक दैट। तो बेटा सपोज यहाँ पे बॉक्स दिया मैंने, एक ही साइड दिखाता हूँ, डोंट स्पीक अदरवाइज ना चाहते हुए भी मेरे को आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्या होता है जहां से मैं फोर्स लगा रहा हूँ वहां से वो ज्यादा अंदर जाएगा और ऐसा करके 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 कम कम होते जाएगा, यहाँ से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर इसको मैंने अगर लेयर में कंसीडर किया, एक लेयर दो लेयर तीन लेयर बराबर, तो ऊपर वाले लेयर का नीचे वाले लेयर के अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नीचे वाले का उसके नीचे वाले से अक्रॉस थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा करते 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 सब लेयर्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाला ज्यादा डिस्प्लेस होता है, नीचे वाला कम हो जाएगा। ओके, तो ये क्या मैं ये डिस्प्लेसमेंट इसको ना कहते हुए कितने एंगल से हुआ ले सकता हूँ मैडम? अरे सर ये सर, तो इसके लिए हम जनरली थीटा बट फॉर स्मॉल एंगल्स tan theta इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो हम tan theta से उसका मेजरमेंट करते हैं। तो tan theta को क्या मिलेगा आपको, इसको अगर आपने n पकड़ा और इसको मैंने x पकड़ा, x का ये छोटा आएगा dx, डेल्टा x छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये ज्यादा भी नहीं पकड़ते इसको डेल्टा x, तो डेल्टा x अपॉन n अगर मैंने पकड़ा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकाल सकते। आर यू गेटिंग मी? नॉट शेयरिंग स्ट्रेस, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलते बता के रहा। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसा करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैसे होता है, टेंजेंशियल, मतलब समझ गया, नहीं तो उसको नॉर्मल बताओगे तो नॉर्मल नहीं है एक्चुअली, वी विल कॉल इट एज अ टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि वो अपर वाले लेयर को एकदम पकड़ के चल, बीच में नहीं देना, यहाँ देना, अगर यहाँ दिया आपने तो उल्टा हो जाएगा, ये इधर से आगे जाएगा, ये वैसे के वैसे। सो द बॉटम लेयर, बॉटम मोस्ट लेयर विल नॉट मूव मच, आई कैन से इंस्टेड इट विल नॉट मूव, एंड द अपर मोस्ट लेयर विल मूव लार्जेस्ट, है ना, समझ गए बेटा? सो इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट डाउन, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया causing, which causes tangential force per unit area, which causes CAUSES, which causes shearing of bodies, SHEARING, shearing of bodies, tangential force per unit area, which causes shearing of bodies is called as shearing stress. Okay? Seen that pressure and stress both are having same unit, same dimensions. Arey sir, so can we call pressure as a stress or stress as a pressure? There is a difference between pressure and stress. So that point we will write. VIP dagadala, VIP four stars, star marko. Pressure and stress means difference between pressure and stress. ओके, तो पहला डिफरेंस ये है कि प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर, देन द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ मतलब क्या है, इफ आई हैव टू पुट अ नेल इन द वॉल
ऐसे नहीं पकड़ता ना उसको, नहीं पकड़ उसको अंदर जाना है तो परफेक्टली उसको परपेंडिकुलर पकड़ूंगा और बाद में ऐसा स्ट्रोक दे दूंगा, जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, नुकीला होगा जितना, उतना वो ज़्यादा अंदर जाएगा। ऐसा अगर है तो शायद नहीं भी जाए, ऐसा फ्लैट है तो जाता नहीं है, है ना। कभी 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 होता है ना, एक दो किला कुछ नहीं होता तो उसका थोड़ा सा निकीला करना पड़ता है और बाद में आप उसको अंदर। तो कैसे फोर्स डालते हैं, नॉर्मल, गेटिंग माई पॉइंट, अगर नॉर्मल नहीं है तो नहीं जाएगा मैक्सिमम। सो प्रेशर वाइल कंसिडरिंग, वी ऑलवेज कैलकुलेट प्रेशर एज नॉर्मल फोर्स, लेकिन फॉर द स्ट्रेस यू विल नॉट कंसिडर लाइक प्रेशर, इट मे बी नॉर्मल, इट मे नॉट बी। इफ इट इज अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस, अदरवाइज इट इज जस्ट कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। लेकिन प्रेशर के लिए ऐसा नहीं, प्रेशर इज अ ऑलवेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, while stress may be normal, may not be normal to the area. Pressure, it is always normal force per unit area, but stress dash it may be normal, may not be normal to the area. ओके, अगर वो नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, गॉट माय पॉइंट। सेकंड वन, ओके, सपोज इफ यू कंसीडर द ऑब्जेक्ट, नॉट गैस वगैरह, गैस से सुनिंदे, फॉर एनी गिवन ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट, नॉट रिजिड बॉडी, रिजिड ऑब्जेक्ट, आता रिजिडला आपण त्याच्या लिमिटेशनच्या बाहेर इलॅस्टिसिटी दाखवायची। सो इफ यू सी इफ आय एम पुलिंग एनिथिंग, बघा मी जर पुल करतोय कोणाला बॉडीला तर आपण प्रेशर काढतो का रे, नाही काढत। प्रेशर कुठे काढतो आपण, इट इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव्ह इन नेचर, वेर ॲज स्ट्रेस विल बी आयदर कॉम्प्रेसिव और सॉरी आयदर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। मतलब स्ट्रेस की वजह से टेंशन आ सकता है, मतलब बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, नहीं तो कॉम्प्रेस भी हो सकती है। लेकिन प्रेशर दिया, प्रेशर कब यूज करते हैं हम, अभी कॉम्प्रेस के लिए यूज करते हैं। गैस के बारे में ऐसा नहीं है, गैस के बारे में क्या होता है उसको ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है एक्सपांड किया तो क्या होता है, वो सब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह है। So there also it will decrease. So lastly what we can say, pressure is second point, pressure is always compressive in nature, whereas second pressure is always compressive in nature, upper point important hai, pressure is always compressive in nature, whereas stress may be compressive, may be pressure is always compressive in nature, whereas stress is maybe compressive, maybe tensile. Compressive or tensile. Okay. Third important is about whether it is scalar or vector. Okay. So pressure to apna aata hai वेक्टर नहीं, स्केलर। प्रेशर इज ऑलवेज स्केलर, सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज स्केलर, एवढंच आहे। वेर एज और बट प्रेशर इज स्केलर, बट स्ट्रेस इज नॉट अ स्केलर, नॉट अ वेक्टर। अरे असं कसं सुन, इट इज नॉट अ स्केलर, नॉट अ वेक्टर, तो क्या है, इट इज अ टेंसर, T-E-N-S-O-R। तो ये क्या है बेटा,
तो ऐसे फोर्स होते हैं, ऐसे फोर्स, फोर्स मतलब ऐसे वेक्टर होते हैं, ऐसे वेक्टर ऐसे नहीं, ऐसे क्वांटिटी होते हैं। जैसे आपका करंट, करंट को क्या आप वेक्टर बोल सकते हो? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका डायरेक्शन दो ही है, आइदर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। खतर ऐसा कंडक्टर दिया और सी टू ए, सी टू डी, ऐसा करंट चला नहीं, तो उसके लिए वो कंडक्टर वैसे लगे, तो उसके लिए आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अरे सॉरी दो ही डायरेक्शन है, लेकिन उसको डायरेक्शन है मतलब वो वेक्टर नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। अगर वेक्टर बोला तो 3D में कहीं भी किसी भी स्पेस में उसको उसका पोजिशन वेक्टर होना चाहिए, नहीं आता है, उसको वेक्टर बोल भी नहीं सकते। स्केलर बोल सकते क्या? नहीं, उसको डायरेक्शन है। सो करंट कैन बी कंसिडर टू बी द टेंसर, जस्ट लाइक दैट स्ट्रेस कैन बी कंसिडर द टेंसर। व्हाई? टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, फोर्स विल बी अलोंग द लेंथ एंड गोइंग, हाँ से गोइंग आउट से, सो इंक्रीज करें तो यहाँ पे जाए, उल्टा उसको अगर कॉम्प्रेस करना है तो उतना ही फोर्स लगाते हैं उसको अंदर की तरफ। दोनों भी केस में अलोंग द लेंथ ही है, लेकिन एक एक में डायरेक्शन उसका बाहर की तरफ है और दूसरे में अंदर की तरफ, और इफेक्ट उसका चेंज होगा। अगर बाहर की तरफ है तो वो टेंशन आ जाएगा, बन जाएगा टेंशन, और अंदर की तरफ है तो बन कॉम्प्रेस हो जाएगा, हो जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये लिख दिया आपने, इट इज अ टेंसर पॉइंट, TENSOR। ओके, दैट्स ऑल। कितना टाइम बचा अभी? आधा घंटा, 10 minutes। ओके, वी विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, अभी देखो, हाँ, वॉल्यूम इज ऑल्सो, वॉल्यूम स्ट्रेस इज ऑल्सो, बट हियर दे आर नॉट गिवन, बट स्टिल वी विल गो फॉर दैट। वॉल्यूम स्ट्रेस भी होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, हाँ, तो उसमें डायरेक्टली एरिया नहीं यूज करते हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूटिलाइजिंग द, आगे क्या चल रहा है, सेकंड में और क्या चल रहा है, हवा ही करती काम अगर पसंद आपने सारक मागे पूरी सारक मागे पूरी कंट्रोल आ जाएगा। हाँ बेटा कंट्रोल कंट्रोल आ, तो मेरा मी कभी राग होत नहीं, सांगे सर कंट्रोल आ रहा है, मला मैं मस्त की फेरी मारत होतो, मी कभी ओरडणार नाही, खरंच मी रागावून तुला सांगत नाही, आय एम नॉट युअर एनिमी, हाँ बेटा एम आय युअर एनिमी, शत्रू का तुझे, तुझा तुला तुझ्या तुझे, मग कंटाळा आला तर मस्त चेहरा वगैरे धुवून यायचा, आराम शिरून क्लासमध्ये बसायचं, असं मला डिस्टर्ब होतं, इथे येऊन बघा काय होतं ते, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन द कन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, दॅट इज वाय। ठीक आहे, सो वी विल नॉट कन्सिडर अबाउट द वॉल्यूम, बट देर आर द वॉल्यूम स्ट्रेस अँड ऑल, बिकॉज while we will calculate some modulus at that time we will need that. Okay, now we'll go for type of strains, write down type of strain, what's a good name beta, now what is it, stand up, soham, nazri, n a z a r e, नाजरी, नहीं नाजरी, फ्रॉम वेर यू आर, महार, घरची आठवण देऊ बस खाली बस, हा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हा तुम्हीच सांगायचं मला, पहिला कुठला असणार, हा फर्स्ट वन लिनियर, मी त्याला काय म्हणणार आपण, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन त्याच्यामध्ये परत दोन येणार, टेन्साईल आणि कॉम्पाउंड लिहायची गरज नाही, बिकॉज डेल्टाईल, अरे डेल्टाईलच काढलं ना, टू टू मिलीमीटरने इन्क्रीज काय झाला,
तो 2 मिलीमीटर डिक्रीज किया जाए, 2 मिलीमीटर होनी ना ओरिजिनल लेंथ थोड़ी ज्यादा, सो इंक्रीज इन लेंथ बाय 2 मीटर 2 मिलीमीटर फॉर अ 10 मीटर वायर एंड डिक्रीज इन द लेंथ बाय 2 मिलीमीटर फॉर द 10 मीटर ऑफ वायर विल बी सेम. फक्त त्याला पहिलं म्हणणार टेन्शन टेन्साइल इट हॅज इन्क्रीज, नेक्स्ट यू विल कॉल दॅट इट हॅज डिक्रीज. सो वी विल जस्ट विल कॉल इट ॲज अ लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन ऑर लिनियर स्ट्रेन. राईट डाऊन लॉन्जिट्युडिनल ऑर लिनियर स्ट्रेन. Longitudinal or linear strain. How we can define simple mode? Change in dimension upon original dimension. Correct, no? So dimension ni kya kela apan? Length properly. Hari yes or no? So it will be just change in length per unit original length. What you can write? Change in length. पर युनिट बट ओरिजिनल लेंथ सिंपल है. फॉर्म्युला काय करणार मग डेल्टा एल अपॉन एल. Longitudinal strain. Second, shearing strain. Second, SHEAR, shearing strain. याला फक्त शिअर म्हटलं तरी चालतं आणि या गोष्टी परत सांगणार नाही. आय डोंट रिपीट इट ॲट ऑल. ऑर जस्ट शिअर, शिअर म्हटलं की तुम्ही लक्षात ठेवायचं इट इज अ स्ट्रेन. त्याला काही वेगळी डेफिनेशन वगैरे नाही आहे, मी मग असे सांगितलं. तर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेअर काढलो ना आपण, है ना? ओके, सो दिस इज थीटा, दिस इज सपोज एक्स अँड दिस इज एल. ओके, ऍक्च्युअली इट इज टॅन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट एक्स अपॉन ऍडजेसंट. ओके, बट फॉर थीटा टेंडिंग टू झिरो काय होणार? tan theta nearly equal to theta, you are knowing that. Sin theta, cos theta, tan theta, we are considering nearly equal to theta. So lastly, you can consider shearing strain to be theta is equal to x upon. So it is actually the ratio of displacement of layer with respect to original length, per unit length. Okay? What is the time? 5 minutes, 7 minutes. So last one shall be right? Yes. Last one is volume strain. Volume strain. Over. दिसते सगळ्यांना वॉल्यूम स्ट्रेन. ओके, त्याला काय येणार मग? चेंज इन वॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा व्ही अपॉन व्ही लिहून टाका. इज राईट, वॉल्यूम स्ट्रेन
number 3 will be change in volume per unit original volume, delta V upon V. Okay? Change in volume per unit original volume. जितने length है ना, इतने volume टाइप है. Let me repeat. Volume strain, third one. Change in volume per unit original volume, delta V upon V. That's all. No, that only I am telling. Suppose I am taking a balloon, okay, and I am applying air pressure inside. That's why I have not given you volume stress, na, in that case. So now the volume of balloon will increase, na. So at that point, I am not considering pressure and all. Then it will be having Boyle's law, Charles' law, your all, everything will be there. Temperature, whether it is increasing or not. In case of rigid, like this rod and all, volume is kept constant. Okay? Otherwise, for gas, for liquid, volume will of course increase or decrease. और यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे भी जो volume constant रहता है, हाँ, that comes in that area ना, so area changes. Yes or no? So, but for that volume, if it is a sphere, so its shape will change, na? Shape म्हणजे स्पियरच राहणार तो, पण छोटा स्पियर आणि मोठा स्पियर. क्रिकेटचा आपला रेग्युलर टेनिस बॉल आणि आपण फुटबॉलसाठी आहोत तो पण बॉल आहे ना. अरे सॉरी, अर्थ म्हणजे पण एक मोठा मोठा स्पियर आहे. आर दे सेम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो समवेअर देयर विल बी वॉल्यूम. सो इफ आय विल टेक अ बलून and I'll keep for 2 days due to change in somewhere the air inside the balloon, there is a compression sometimes, whatever it is there, kadhi kadhi phutto, mhanje kay jala, there is a pressure exerted by the gas, kadhi kadhi shrink hoto chota hota aur kal kal bharpur mota hota jatrela vagere regular mota balloon lahan mulan aadat na mula sakai gadal lagtat pappa balloon chota zala pappa atat nahi kay karu ata mi tula kal ghevun dile evda mota. So it is due to temperature, okay, but sometimes there are many factors which affect the volume of the ball. Are you getting my point? So what are they? We will see in the bulk modulus and all. Okay, now the important thing is that I know that time is about to finish. Talab supplement theek tomorrow weeks. Let me check in my mobile. अरे 6 मिनट सर, तो लेट मी चेक. ओके, जस्ट आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट. सी श्रुति साळवी, संस्कृती साळवी नाही जी है क्या? हनी जो है? हनी नहीं. ओके, राइट नाउ आई व्हाट एवर आई टोल्ड यू इन दैट वी हैव कंसीडर्ड दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज केप्ट कॉन्स्टंट. पहले तो सांगितलं ना, मी बॉडीला मेल्ट करत नाही, काही काय करत नाही, किंवा थोडंसं पण टेम्परेचर इंक्रीज किंवा डिक्रीज नाही केलं. वाय? बिकॉज हे जसं आहे इलेक्ट्रिसिटी, याच्या सायमेंटेनियसली तुम्हाला हे पण शिकवून टाकणार आहे, दॅट इज ॲक्च्युली युअर थर्मल एक्सपान्शन. पण आपण हा टॉपिकमध्येच मी तुम्हाला घेऊन टाकेल, बिकॉज मोस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव्ह क्वेश्चन विल कम इन इलेक्ट्रिसिटी ओनली. दे विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट थर्मल एक्सपान्शन. मीन्स वॉट? सपोज आय एम नॉट युझिंग एनी डिफॉर्मिंग फोर्स अँड आय एम चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, देन ऑल्सो देर इज इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी. ओके ओके, सो त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. तुमचा जो स्ट्रेन काढला ना, हा ओके, तुमचं कळून जातो डेल्टा एल अपॉन एल इज प्रपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. मीन्स इफ द टेम्परेचर विल इन्क्रीज, चेंज मीन्स इन्क्रीज विल ऑल्सो बी. इफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, देन देर विल बी स्मॉल चेंज इन द लेंथ.
I will always write delta L upon L is equal to alpha delta T. And this alpha is called as coefficient of linear expansion, thermal expansion. So this is called as the temperature coefficient of linear expansion. Matlab kaisa karega? This is L minus original L naught upon L naught is equal to alpha delta T. L naught this way. So what I will get? L minus L naught is equal to L naught alpha delta T. Yala idhe na plus kara, it will become L naught plus L naught alpha delta T. L naught common terminal kya hoga tumse? Sorry. L is equal to bola 1 plus alpha delta L naught into 1 plus alpha delta, where alpha is the temperature coefficient of linear expansion. If instead of L I will take area, then that will be V term, and if I will take volume, that will be tau, and so on. Okay, that we will see tomorrow.